वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। सो गाइज आपको पीछे दिख रहा होगा, मैं आज जेल ऑडियो के इवेंट पे आया हूँ। और जो आज ये है अपना गाइज, यहाँ पे लॉन्च इवेंट है। जेल ऑडियो एक अमेरिकन ब्रांड है जो अब ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो गया है म्यूजिक सिस्टम का। और इनके जो रेंज है वो गाइज काफ़ी हाई लेवल वाली रेंज है और हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो वीडियो में आपको हर चीज़ दिखाऊंगा गाइज, जिसके अंदर की वूफर का पूरा जो सेटअप है अपना, और जो एम्पलीफायर इनमें कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से स्पीकर्स कंपोनेंट्स, सब कुछ बताऊंगा। और जो जो मतलब जिस कार पे मैं शूट करने वाला हूँ, क्रेटा और स्विफ्ट करने वाला हूँ, उसके अंदर जो जो स्पेसिफिकेशंस हैं सब कुछ मैं दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ में इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। बॉक्सेस रखे हुए हमारे, सबसे पहले आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पे गाइस C1 रखा हुआ है, जो हमारा सबसे बेसिक मॉडल है। जो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वही C1 से स्टार्ट होती है, देन आता है अपना C2 और ये कंटिन्यू करता है गाइस अपना C7 तक। जो आपको साउंड सुनाने वाला हूँ गाइस, मैं वो C2 और C7 सुनाने वाला हूँ। हमारे पास ये भैया है जो हमें हर एक चीज़ गाइड करेंगे। तो सर सबसे पहले जो एक जो बेसिक क्वेश्चन होता है कि इसकी रेंज कितने से स्टार्ट होती है? इसकी रेंज स्टार्ट होती है आपकी C1 से, क्वार्टिकल स्पीकर रेंज स्टार्ट होगी 11,000। कंपोनेंट्स अगर आप ले रहे हैं 16,000। एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जो हाई एंड जो हम C7 लोगों को सुनाएंगे उसकी भी एक बारी एक अप्रॉक्स बता दो कि हमारा क्या राउंड आता है। आप अप्रॉक्स मान के चल सकते हो 2,40,000 का कंपोनेंट है। कंपोनेंट 2,40,000 का जो हम आपको आगे हम दिखाने वाले हैं। बिल्कुल। और गाइज ये तो बात हो गई हमारे स्पीकर्स की और साथ में कंपोनेंट्स की, जो कॉक्सिल होते हैं और साथ में कंपोनेंट्स। और अब आ जाते हैं एम्प की तरफ। तो यहाँ पे हमारे आप देख सकते हो अभी मोनोब्लॉक वाला एम्प है 2, और अपने 4 चैनल 2 चैनल सारे एम्प्स रखे हुए हैं। तो सर जो बेसिक एम्प होता है हमारा 4 चैनल का, उसका एक बार ही गाइड कर दीजिए उसकी स्पेसिफिकेशंस। 4 चैनल एम्पलीफायर के अंदर आपको स्पेक्स मिल जाएंगे 60:4 के, प्राइसिंग जो मार्केट हो सकते हो 30,000 के अराउंड की होगी उसकी। और वारंटी वगैरह कुछ? 1 ईयर वारंटी, इट्स एन ऑफिशियली अवेलेबल प्रोडक्ट इन इंडिया। ओके, सो दिस इज एन अमेरिकन ब्रांड। या दिस इज एन अमेरिकन ब्रांड। सो गाइज आप यहाँ पे देख लो सारा कुछ, मैंने बॉक्सेस वगैरह बताया। अभी हमारे पास जो हमने अभी निकलवा के आपके लिए स्पेशली मैंने भैया से निकलवाया है, वो है गाइज अपना कॉक्सजेल है जो बेसिक है C1 के। कॉक्सजेल बेसिक है जो भी है ना 11,000 के बताए थे, एक बार आप देख लो। और बाकी ये तो सारी टेक्निकल बातें आपको ज़्यादा देख के समझ नहीं आएगा, जो मेन आपको जो पता लगेगा वो पता लगेगा साउंड से। तो एक बार आप इसको ओवरव्यू ले लो, और अगर एम्पलीफायर दोबारा से देखने तो वो ले लो। और एम्पलीफायर और अगर मैं कॉम्पोनेंट्स और स्पीकर्स की बात करता हूँ, हम चलते हैं अपनी बेस ट्यूब की तरफ, अपना एनक्लोजर बेस ट्यूब वूफर जो भी आपको बोलना है। तो सर एक बार इसकी स्पेसिफिकेशंस गाइड कर दीजिए। 300 वाट RMS का सबवूफर है ये, बॉक्स मेंटेड है, दिस अ ट्यून बॉक्स ताकि इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर आ सके। सो दिस इज आर बेसिक मॉडल, दिस इज अ बेसिक मॉडल। ओके, और इसकी प्राइसिंग क्या होती है? 35,000। तो स्टार्टिंग प्राइस इज 35,000 बॉक्स जो कंपनी से आता है। और आपको इफ यू वांट टू गो लिटिल लो इन टर्म प्राइसेस, आप वूफर अलग से परचेज कर सकते हो, बॉक्स यहीं पे बनवा सकते हो। तो उसका क्या एक अराउंड बता दो, वो क्या आता है? रफली वूफर स्टार्ट हो जाएंगे 15,000 से। तो गाइस ये तो बात हो गई पूरी जो टेक्निकल बातें होती हैं कि वूफर एम्पलीफायर अपना स्पीकर्स क्या होते हैं। और अब चलते हैं सीधा अपना साउंड की तरफ और कार के अंदर जो इसमें इंस्टॉलेशन हुई हुई है। अब टाइम आ गया कि मैं आपको इसकी साउंड सुनाऊं। जो हमारे पास ये मॉडल खड़ा है, फेमस क्रेटा खड़ा है, और जो इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं गाइस, वो इंस्टॉल हुए हैं अपना C2 कंपोनेंट्स, जो चारों कंपोनेंट्स जिसके बारे में आपको पहले बताया था। और अपना जो अंदर माउथ डाला हुआ है गाइस, वो डाला हुआ है अपना पाइनर का। तो मैं NCS का आपका म्यूजिक ऑन करने वाला हूँ और आपको साउंड सुनाता हूँ अब। तो पहले मैं आपको बता दूं गाइस, जो हमारा सबवूफर है वो मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया है, और जो सिर्फ अभी ऑन है वो हमारे सिर्फ चारों कंपोनेंट्स ऑन है और सबवूफर बिल्कुल ऑफ है। एक बार मैं आपको सेटिंग में भी दिखा देता हूं सबवूफर की, जो सेटिंग है गाइस वो बिल्कुल ऑफ कर रखी है मैंने। सो गाइस आप देख सकते हो सबवूफर अपना ये ऑफ है। और अब चलते हैं इसकी सीधा साउंड की तरफ। गाइज आपने साउंड सुन लिया, और ये हमारा एक म्यूजिक था, मैं आपको एक और म्यूजिक इसमें प्ले करके सुनाता हूँ और उसकी साउंड भी आप सुनना। NCS का ये दूसरा म्यूजिक चला रहा हूँ और
सो गाइस जो बेसिक मॉडल है जो एम्प का जो इनकी स्टार्टिंग होती है वो है 4 चैनल का एम्प है और ये अपना जेल ऑडियो का पूरा एम्प है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक बार देखो कितनी दूर से क्वालिटी कितनी बेस्ट लग रही है इसकी। और एक बार मैं बैक से भी दिखा देता हूँ अगर दिखता है तो, बैक से भी देख लो गाइस जेरा पूरा अपना एम्पलीफायर और यहाँ पे प्लेसमेंट देख लो है, सीट के नीचे हुई हुई है, आप यहाँ पे ये देख सकते हो। अपनी स्विफ्ट जो इस स्विफ्ट के अंदर हाई एंड सबसे जो इनका ऑलमोस्ट हाई एंड है जो मैं बता रहा था C7 कंपोनेंट्स के बारे में और ऊपर के बारे में प्रोसेसर एम्पलीफायर सब कुछ चला हुआ है, आप देख सकते हो इसमें पूरा जेल ऑडियो की इसमें ब्रांडिंग हुई हुई है यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो एक तरह से जेल ऑडियो की अपनी डेमो कार ही है और जो आप स्टार्टिंग में बेयर मिलते यही सब आपको गाइड करेंगे। तो सर एक बार गाइड कर दीजिए इसमें है क्या क्या। इसके अंदर C7 का कंपोनेंट लगा है, JL का सबसे टॉप एंड कंपोनेंट है, ट्विटर्स अंदर मिड रेंज लगा है ऑन पिलर और नीचे मिड रेंज लगी हुई है, एक्टिव है इसलिए अलग से सपोर्ट कराया हुआ है पीछे। हम आपको सो गाइस ये तो इस साइड और एक बार आप इस साइड से भी लुक चेकआउट कर लो पूरा। और ये रहा अपना ट्विटर और ये रहा अपना मिड रेंज, अपना JVC का इसके अंदर माउथ लगा हुआ है। अभी इसमें हम बाद में आएंगे क्योंकि जब साउंड सुनाऊंगा जब आपको इसके बारे में बताऊंगा। और अब चलते हैं वूफर और एम्पलीफायर की तरफ जो पूरा बूट में डला हुआ है। सो गाइज आप बूट में देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर जो सेटअप है पूरा यहाँ पे अपना बूट में प्रॉपर सेटअप करवा रखे सिर्फ साउंड के लिए। तो सर बाकी गाइड करेंगे क्या क्या है इसमें। आपने जो भी आगे कॉम्पोनेंट्स देखे थे उसको हैंडल कराया है 6 चैनल एम्पलीफायर से, एक सबवूफर लगा है टॉप एंड रेंज W7, ये JL का टॉप एंड सबवूफर है 1000 वाट RMS, इसको एक मोनो से सपोर्ट कराया है। इन सब को पावर आउट करने के लिए एक प्रोसेसर लगा हुआ है, आप कहेंगे सिस्टम भी है और प्रोसेसर भी, उस सिस्टम से कोई सेटिंग नहीं है, जो सेटिंग है सब प्रोसेसर से ही हुई है। तो इस प्रोसेसर से हम इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। हाँ, जो आउटपुट अभी आप सुनोगे भी वो भी इस प्रोसेसर से निकलेगी। ओके सो गाइस सर ने आपको हर चीज़ गाइड कर दी है अपने जो जो इसके अंदर डाला हुआ है और आप सब साउंड के लिए एक्साइटेड होंगे। तो अब चलते हैं सीधा साउंड की तरफ और जो मैं चलाने वाला हूँ गाइस सॉन्ग NCS से चलाने वाला हूँ। अगर इसमें पंजाबी सॉन्ग के आउटपुट सुनना है तो वो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जाके आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना। और ये सुनो अब इसकी साउंड। सुनाता हूं दोबारा से, अंदर पूरा बंद आ गया हूं और सारे गेट्स वगैरह मैंने सब कुछ ऑफ कर दिया। और अब सुनो आप साउंड। सिर्फ हमारा कंपोनेंट का एक पेड़ लगा हुआ है जो इस पे हाई एंड है इसका और आपने सुन लिया होगा क्लैरिटी बहुत नेक्स्ट लेवल की है। एक बार ईयरफोन लगा के जरूर सुनना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी है और जो साउंड है गाइस बहुत ज्यादा हैवी है। एक वूफर के हिसाब से जो वाइब्रेशंस है गाइस नेक्स्ट लेवल की, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और कंपोनेंट्स वगैरह भी आपने पूरा देख लिया, एक सेट ही है इसका और एक सेट के अंदर गाइस इसके अंदर तीन पेयर, ये तीनों चीज इंक्लूड आती है और साउंड आपने इसकी सुनी ली है।
इस वीडियो आपने मैं पूरी देख ली और आपको मैं जो जो गाइड कर सकता है मैं सब आपको कर दिया, साउंड वगैरह आपने सब सुन लिया। बाकी अगर आपको ये इनमें से कुछ भी लगवाना है तो बाकी सर आपको गाइड करेंगे, आप कहाँ कहाँ पे लगवा सकते हो सर एक बार ही बता दीजिए। सर डिपेंडिंग है जिस एरियाज में आपने लगाना है, साउथ के अंदर जा रहे हैं, साउथ दिल्ली के अंदर, तो आपको 3-4 काउंटर्स वहाँ मिल जाएंगे। ईस्ट दिल्ली में आपको ऑलमोस्ट दिल्ली के अंदर हर काउंटर्स में मिल जाएंगे। विजिट दिस साइट, यू विल गेट द एड्रेसेस। तो सर इसमें कुछ प्री ऑर्डर वाला हिसाब भी है आपके पास, सब कुछ अवेलेबल मिल सकता है? सब कुछ अवेलेबल है जो आपको चाहिए। सो गाइस बाकी जो सर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और कोई भी डाउट आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं साउंड के लिए अगर कोई वर्ड्स है ना मेरे पास तो गाइस माइंड ब्लोइंग से भी ऊपर वाला है। बेस आपने वाइब्रेशन सुन ली और क्लियरिटी तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है, सुन लो। इंस्टाग्राम पे जाके पंजाबी वीडियो के भी उसमें साउंड डाल दूंगा, वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी है जे ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स, जो चैनल का नाम है वही है। और आज के वीडियो को करते हैं यहीं एंड, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बताना ज़रूर ऊपर की क्वालिटी और जो ट्रेबल और बेस सब कुछ है उसकी क्वालिटी आपको कैसी लगी है। इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना पंजाबी गाने के लिए जे ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स है। और करते हैं वीडियो को यहीं एंड, थैंक यू।